हाय, मैं हूं हुसैन अली खान और आप देख रहे हैं द ब्रो पोल्ट्री। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है ड्रिंकर के बारे में। तो हम दो ड्रिंकर के बारे में बात करेंगे। पहला तो ये जो मॉडर्न ड्रिंकर आजकल चल रहा है, और दूसरा ये जो क्लासिक ड्रिंकर जो काफ़ी पहले चलता था, अभी पता नहीं लोग ज़्यादा यूज़ में नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मैं जो भी ड्रिंकर दुकानों पर देख रहा हूँ वो इस तरह का ही देख रहा हूँ। तो इसको दो इस वीडियो को मैं दो भाग में बनाऊंगा। पहले भाग में मैं इस जो मॉडर्न ड्रिंकर है उसके बारे में बताऊंगा, और दूसरे वीडियो में इस क्लासिक ड्रिंकर के बारे में बताऊंगा। तो चलिए पहला वीडियो चालू करते हैं, यानी कि इस ड्रिंकर के बारे में। तो इस ड्रिंकर में आपको टोटल तीन चीज़ें मिलती हैं। एक तो ये आपको लाल ढक्कन मिलेगा इसका, साथ में इसका ये मिलेगा जहाँ से पानी आएगा, और उसके बाद इसके साथ आपको ये मिलेगा, ये जो रहेगा आपका। इसमें आपको पानी डालना है, या फिर आप कुछ लोग इसमें बालू भी डालते हैं या गीला बालू करके डालते हैं, इसको डालना है। ये हो गया, इसे अलग कर देते हैं। इसके साथ में आपको ये एक डंडा रहेगा और एक ये रहेगा जो कि उस पर कनेक्ट होगा। तो इसे सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आप इसमें पानी भर लो। अभी तो इसमें पानी भरा हुआ है, पानी है तो मुझे भरने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसमें पानी भर लो। दूसरा, आप इसको जो है इसमें इस तरह से डालो, अंदर फिट करो, और फिर इसे जो है इसमें सेट कर दो। ये सेट हो गया आपका। अब आपको ये रही, उसके बाद आपका सेकंड पार्ट रहता है ये और ये। तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको छेद दिए रहेंगे ये, और यहाँ पे एक लॉकर दिया, ये जैसा कि ये एक लॉकर है, और ये यहाँ का, यहाँ पे आपको घुसाना है और यहाँ से आपको लॉक कर देना है। इस तरह से आप यहाँ पे ऐसे इसे इसको जो है ध्यान से उस पर देख के लगा लीजिए इस तरह से, जो भी आपको इसमें इस तरह से घुसाना है, उसके बाद इस तरफ से लॉक कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी एक लॉक करके रखा है, क्योंकि लॉक करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने ऑलरेडी एक लॉक करके रखा है, वो है ये रहा, इसे मैंने ऑलरेडी लॉक कर दिया है, तो ये अभी लॉक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका पार्ट रहेगा इसे आपको नीचे की तरफ से ले जाना है, और यहाँ से ये जो छेद दिख रहा है आपको वहाँ पर, वहाँ से इसको आपको अंदर की तरफ ले जाना है। या तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको जो है, और ये जो आप, ये तो आप जानते होंगे, फीडर में भी इसका यूज होता है हैंगिंग करने के लिए। तो आपको क्या करना है, या तो आप नॉर्मली इसमें आप सीधा इस तरह से डाल के टांग सकते हैं, लेकिन इस ड्रिंकर के साथ जो है आपको ये एक लॉकर आता है, तो मैं तो कहूँगा आप इस लॉकर का यूज़ करो। तो लॉकर में आपको क्या करना है, लॉकर का यूज़ करने के लिए आपको यूँ करना है, ये इस तरफ जो लंबे साइड वाला रहेगा उस तरफ से लॉक करना है। ये आपने लॉक कर दिया, और ये यहाँ पे कर दिया। उसके बाद तीसरी चीज रहती है आपकी, ये पाइप। तो पाइप में आपको क्या करना है, इधर मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो आपका ये इस तरह से पूरी पाइपलाइन रहेगी, और पाइपलाइन में से यहाँ यहाँ से आपका निप्पल निकला रहेगा। इससे आपको यहाँ से आपको पहला यहाँ पे कनेक्ट करना है इस तरह से, और दूसरा कनेक्ट करना है आपको यहाँ पे, यानी कि आपको दूसरा यानी कि ड्रिंकर में कनेक्ट करना है। तो इसमें एक चीज़ की बात ध्यान देने वाली रहती है, कभी कभी क्या होता है कि आप इसे सेट करते हैं लेकिन ये ओवरफ्लो करने लगता है। तो ओवरफ्लो क्यों करता है, जो आपका ये नीचे वाला पार्ट है काला वाला, अगर आपने उसके अंदर ज़्यादा पानी डाल दिया या फिर ज़्यादा गीली बालू डाल दिए, तो उसकी वजह से वो ओवरफ्लो कर सकता है। और दूसरी चीज़ होती है ये जो आप ब्लैक वाला देख रहे हैं, इसे घूम, ये ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब बंद हो सकता है, ऐसा आप टाइट और ढीला कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये एक तरीके से पानी का एडजस्ट करता है कि कितना लेवल तक आपको पानी रखना है। तो बस ये सारे सेटअप हो गए हैं, तो अभी देख लेते हैं कैसे पानी आता है या नहीं आता है। तो आपको ये जो है आपको इसे इसमें फिक्स करना है। कभी कभी क्या होता है ये फिक्स नहीं होता है कभी कभी, तो आपको इसे हीट करके भी आप फिक्स कर सकते हैं। तो ये मैंने इसे फिक्स कर लिया है, इसे सिर्फ दिखाने के लिए फिक्स किया है, क्योंकि इसे मुझे नहीं करना है। तो ये अभी मैंने इसे कर दिया, और अब इसे मैं छोड़ देता हूँ, और आप देख रहे हैं कि पानी आना चालू हो गया है। तो ये पानी तब तक आता है, ये पानी धीरे धीरे आता रहेगा, और एक लेवल पर जाने के बाद ये पानी रुक जाएगा। आप इस अगर आप इसके बाद इसका लेवल कम ज़्यादा करना चाहते हैं, कि अगर आपको ज़्यादा पानी चाहिए तो आप इसे नीचे टाइट टाइट के नीचे की तरफ कर सकते हैं, और ज़्यादा कम पानी चाहिए
तो ऊपर की तरफ कर सकते हैं। देखिए मैं इसे टाइट कर देता हूँ लास्ट तक। तो ये फिर से अभी फिर से पानी अभी निकलना चालू हो गया। तो इस तरह से ये ड्रिंकर काम करता है। तो अब बस ये वीडियो यहाँ पे ही ख़त्म होती है। इसके बाद जो जितना भी आपको एडजस्ट करना है इसको इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस यार ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में मैं इस क्लासिक ड्रिंकर के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इसका नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखना। तो बस अभी ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं और मैं तुरंत ही इसका भी बना देता हूँ वीडियो। तो बस यार मैं था हुसैन अली खान, आप देख रहे थे द ब्रो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग द ब्रो पोल्ट्री।